हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा बचा हुआ था क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे जो अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, और जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जो भी हम लोग डिफिनेशन को देखे हैं, उसका यूज़ यहाँ पे होगा और आपको एप्लीकेशन यहाँ पे समझ में आएगा। तो वीडियो को पूरा देखें, ज़रूर देखें, और आपको साथ ही साथ आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठें, आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन 8 क्या कहता है। हमें दिया हुआ है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। हमें चार केस ए बी सी डी दिया हुआ है, रिएक्शन हमको खुद लिखना है और बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है, याद रखें। साथ ही साथ टाइप ऑफ रिएक्शन यानी किस टाइप के रिएक्शन है वो भी हमें बताना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, हमें मिलकर ये रिएक्शन करके बनता है पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो इसको लिखते हैं फर्स्ट में ए नंबर। देखिए पोटेशियम है हम लोग के से लिखते हैं और ब्रोमाइड को Br, ठीक है, और दोनों में प्लस वन चार्ज होता है, यानी कि पोटेशियम में भी प्लस वन चार्ज और ब्रोमीन में भी माइनस वन होता है, ठीक है, क्योंकि देखिए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इसका तीनों में माइनस वन चार्ज होता है। सेकंड में इसका रिएक्शन किया जाता है बेरियम आयोडाइड से, तो BaI। अब देखिए क्योंकि बेरियम में प्लस टू चार्ज होता है और आयोडीन में माइनस वन, तो ये वाला टू इधर आ जाएगा इसके पास और ये रिएक्ट करके बनाता है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, ये बनाएगा पोटेशियम आयोडाइड यानी के आई बनाएगा, दोनों में वन वन चार्ज होता है, देखिए पोटेशियम में प्लस वन और इसमें माइनस वन, तो पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, तो Ba बेरियम और ब्रोमाइड ब्रोमीन Br होगा, और क्योंकि इसमें प्लस टू चार्ज होता है तो यहाँ पे वो टू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये प्लस इसके साथ माइनस के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस इससे अट्रैक्ट हुआ, यानी यहाँ पे दो सब्सटेंस के आयन्स का एक्सचेंज हुआ, इस वजह से ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ये हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्शन। सेकंड देखते हैं पार्ट बी में, हमें दिया हुआ जिंक कार्बोनेट यानी कि ZnCO3, और यहाँ पे होल ट्वाइस होगा क्योंकि जिंक में प्लस टू चार्ज होते हैं, ठीक है, जिंक में प्लस टू होते हैं और कार्बोनेट में माइनस टू, तो ये इसका कार्बोनेट का टू इधर आ जाएगा और टू टू हट जाएगा, यानी कि हम लोग इसको सिर्फ इस तरह से लिख सकते हैं जिंक कार्बोनेट प्लस, सॉरी यहाँ पे ये क्या होता है दो अलग अलग न्यू सब्सटेंस में टूट जाता है, तो ये हो बन जाता है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो आप देखेंगे ये एक सिंगल सब्सटेंस दो अलग अलग सब्सटेंस में टूट रहे हैं, तो हम लोग इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि एक सब्सटेंस डीकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है दो अलग अलग सब्सटेंस में, इसलिए इसका नाम होगा, इस रिएक्शन का नाम डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिएक्शन। थर्ड पार्ट में सी पार्ट में हम लोग देखते हैं, सी में हमें दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 है और क्लोरीन गैस यानी कि Cl2, और ये दोनों मिलकर क्योंकि गैसियस फॉर्म में इसलिए हम लोग ये डाई एटोमिक कंपाउंड है, डाई एटोमिक है इस वजह से टू लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये बनाते क्या चीज़, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि हाइड्रोजन दो है, तो इस हाइड्रोजन को दो बनाने के लिए आगे दो लगाएंगे तो क्लोरीन भी दो हो जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी क्लोरीन दो है तो यानी ये बैलेंस है। चलिए यहाँ चेक कर लेते, ऊपर का छूटा हुआ है तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पोटेशियम एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ पे ब्रोमीन दो है तो यहाँ पे भी दो लगा देंगे तो ब्रोमीन दो हो जाएगा,
लेकिन साथ ही साथ पोटेशियम भी दो हो चुका है, इस वजह से यहाँ पे दो लगा देंगे ताकि ये वाला पोटेशियम दो हो जाए। अब इसके साथ साथ आयोडीन भी दो हो चुका, तो यहाँ भी आयोडीन दो है और बेरियम यहाँ एक है और यहाँ भी एक है, मतलब ये बैलेंस हो चुका। सेकंड पार्ट में देखते हैं, यहाँ पे कार्बोनेट मतलब ऑक्सीजन को पहले देखते हैं, ऑक्सीजन तीन है और यहाँ पे ऑक्सीजन दो और एक तीन, ठीक है। जिंक यहाँ सिंगल है और यहाँ भी सिंगल है। कार्बन यहाँ एक है और यहाँ भी कार्बन एक है, मतलब ये तो बैलेंस्ड है। थर्ड में देखते हैं, इसको तो हम लोग बैलेंस कर चुके हैं। अब आते हैं फोर्थ नंबर यानी पार्ट डी में। पार्ट डी में हमसे बोला है मैग्नीशियम यानी कि Mg, और ये सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पे S दिया हुआ, आप चाहे तो यहाँ भी दे दें। और यहाँ पे दिया हुआ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, ठीक है, और ये एक्वस फॉर्म में है। तो ये बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl, क्योंकि मैग्नीशियम का प्लस टू चार्ज होता है इसलिए टू यहाँ लग जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 गैस, ये एक्वस है। तो बस यहाँ पे रिएक्शन तो लिख दिया, अभी से बैलेंस करना है। तो बस यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे क्लोरीन सिंगल है, यहाँ क्लोरीन डबल है, इसलिए क्या करेंगे, इस क्लोरीन को डबल बनाना पड़ेगा, टू लगा दी। अब हाइड्रोजन टू हो चुका और यहाँ हाइड्रोजन टू है, मतलब हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है, क्लोरीन भी बैलेंस हो चुका है। अब रहा मैग्नीशियम, यहाँ सिंगल है और यहाँ भी सिंगल, इसलिए ये बैलेंस्ड हो चुका है। और ये किस तरह का रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैग्नीशियम एक मेटल है जो कि हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमसे पूछा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर लेता है। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे जिंक है, कॉपर क्लोराइड ये आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है। अब सॉल्ट सॉल्यूशन में से जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद बना लेगा जिंक क्लोराइड और अब कॉपर को अलग कर देगा प्लस कॉपर। तो यहाँ पे ये होता था। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू डिफरेंट कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस एंड फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, Na जो है Cl से रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, आयन का एक्सचेंज होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज होता है और यहाँ पे माइनस होता है क्लोरीन में, माइनस वन प्लस वन, ये इसके साथ बना लेगा सोडियम क्लोराइड और ये OH और H से मिलकर वाटर बना देगा। यहाँ OH में माइनस होता है और H में प्लस, तो ये बना लेगा H2O, वाटर बना लेगा। तो यहाँ पे आयन्स का एक्सचेंज होता है और वहाँ पे था एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल भी हो गए इसके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। मतलब ये बोला है कि सिल्वर के रिफाइनिंग में सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को कॉपर के द्वारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराया जाता है ताकि उसे सिल्वर को निकाला जा सके, ठीक है, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को कॉपर से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराया जाता है। तो उसका जो है हमें रिएक्शन को लिखना है। तो देखिए सबसे पहले इधर क्या है, सिल्वर नाइट्रेट इसका जो है किसके साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराया जाता है, तो कॉपर मेटल के साथ। तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है, और किसके साथ डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं, कॉपर के साथ। तो ये कॉपर क्या है कि सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से कॉपर जो है सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर को अलग कर देगा। यहाँ पे ये बना आपका सिल्वर, आपका निकल आया। तो इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट कराया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का कॉपर के साथ, ताकि हम आसानी से सिल्वर को अलग कर सके। तो बस उसका रिएक्शन लिखना था, तो ये आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा है
व्हाट इज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में पूछा है और उदाहरण देकर हमें समझाने को कहा है। तो हम लोग इसको हम लोग देख चुके हैं अपने लेक्चर में, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा जो कि हम लोग पढ़ चुके थे। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन उसे कहते हैं कि रिएक्शन इन विच प्रिसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे हम लोग देखे थे सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो सोडियम सल्फेट भी सोल्यूबल इन वाटर है और बेरियम क्लोराइड भी, यानी कि वाटर में सोल्यूबल होता है दोनों। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे सोडियम सल्फेट और इसमें बेरियम क्लोराइड लाते हैं तो ये सोल्यूबल है, घुल जाता है इस तरह से जैसे कि नमक घुलता है पानी में। ठीक है, लेकिन वो नज़र नहीं आता है, बस पूरा घुल जाता है अच्छे तरीके से। लेकिन जब आपस में इन दोनों को रिएक्ट कराया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है जो कि वाइट प्रिसिपिटेट होता है और वो वाटर में, मतलब वाटर में जो है फ्लोट करता रहता है, सेटल डाउन नहीं होता है। तो एक नया पदार्थ, नया सब्सटेंस बनता है जिसको हम लोग प्रिसिपिटेट बोलते हैं और ये इनसोल्यूबल इन वाटर होता है, वाटर में अच्छी तरह से मतलब घुलता नहीं है, जिस तरह से नमक और चीनी घुल जाता है वैसा नहीं घुलता है। और साथ ही साथ और क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड। तो ये आपका एग्जाम्पल भी हो गया और ये आपका डिफिनेशन भी। क्वेश्चन नंबर 16 में जो हमसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे बोला है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म इन द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ टू एग्जाम्पल। जैसे फर्स्ट में बोला ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूज ऑफ ऑक्सीजन के टर्म में हमें बताना है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऑक्सीजन के टर्म में हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के ये में हमें बताना है गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूज ऑफ ऑक्सीजन, तो ये वाला हम लोग लिखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम में जो है ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, इसलिए ये किस तरह का रिएक्शन हुआ, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और हमें एक एक एग्जाम्पल देना, और यहाँ पे सारा एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन का है। तो हम लोग ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल हो गया तीनों एग्जाम्पल। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के हिसाब से हम लोग इसको डिफाइन करना है। तो ये यहाँ तक सिर्फ हम लोग लिखेंगे कि रिडक्शन उसको कहते हैं जहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है किसी सब्सटेंस में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ था इनिशियली, और जब रिएक्ट करता है ये हाइड्रोजन से फिर क्या होता है, कॉपर अलग हो जाता है और ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि कॉपर ऑक्साइड के साथ में जो ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन हट चुका है, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा रिडक्शन का। तो अब आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में आ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। एक सब्सटेंस एक्स है जो शाइनी ब्राउन है और उसको हीट किया जाता है तो वो बन जाता है ब्लैक कलर का। नेम द एलिमेंट एक्स, तो उस एलिमेंट एक्स का नाम बताना है, एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म, और जो वो ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसका नाम बताना है। तो हम लोग देखे थे कि पहले यहाँ पे देख लेते हैं एक्स क्या है। एक्स इज अ कॉपर मेटल, ऑन हीटिंग इन एयर इट गेट्स ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड विच इज़ ब्लैक इन एयर। इससे पहले भी हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम लोग देख चुके थे कि कॉपर के पाउडर को, देखिए कॉपर को Cu लिखेंगे, कॉपर के पाउडर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो वो कॉपर ऑक्साइड बना लेता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, ये कलर में ब्लैक होता है, तो इसी के बारे में पूछा था। और कॉपर इनिशियली कैसा होता है, तो ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो ये कॉपर था ब्राउन कलर का, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का होता है। तो नाम भी हमसे पूछा था एक्स एलिमेंट का, तो एक्स एलिमेंट हो जाएगा कॉपर। ठीक है, और जो ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस बना है वो होगा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में।
क्वेश्चन 18 में पूछा व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, यानी कि लोहे के सामान में हम लोग पेंट क्यों अप्लाई करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि लोहा जो होता है एयर यानी ऑक्सीजन और जो नमी होता है मॉइस्चर, वो मतलब हवाओं में जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं छोटे छोटे, वो हमें नज़र नहीं आते लेकिन वो एयर में होते हैं, जिसको हम लोग नमी बोलते हैं मॉइस्चर, उससे कॉन्टेक्ट में आकर ये रस्ट उसमें मतलब कि रस्टिंग हो जाता है उस आयरन का, ठीक है, यानी कि आयरन में जंग लग जाता है। तो उस जंग से बचाने के लिए लोहे के ऊपर पेंट किया जाता है ताकि वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में एयर के कॉन्टेक्ट में ना आ सके। तो ये हुआ इसका सिंपल। अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, तो वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स सो एज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है, लोहे में जंग लगना। व्हेन द सरफेस ऑफ आयरन इज कोटेड विथ पेंट, यानी कि आयरन के सरफेस में जब पेंट लगाया जाता है, इट्स सरफेस डज नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, देयरफॉर रस्टिंग डज नॉट टेक प्लेस। तो पेंट करने की वजह से क्या होता है, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ऑक्सीजन के या मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में नहीं आता है और इस वजह से रस्टिंग नहीं होता है आयरन में, यानी कि आयरन जो है जंग लगने से बच जाता है। इसीलिए हम लोग इसको आयरन के आर्टिकल्स को पेंट करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया है वो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन वाई, यानी हमें बता रहा है कि ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड यानी कि फैटी फूड जो होता है उसमें जो है नाइट्रोजन उसके साथ मिलाकर क्यों मिक्स करके रखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा चिप्स वगैरह में आप देखते हैं कि उसमें हवा भरा हुआ होता है, वो एक्चुअल में हवा नहीं होता है, वो नाइट्रोजन गैस होता है, ठीक है। तो हमसे पूछा है क्यों इसको नाइट्रोजन गैस के साथ रखा जाता है, चिप्स वगैरह जो भी ऑयली फैट है फूड है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि देखिए, ये जो ऑयली फूड या फैटी फूड यानी कि फैटी फूड जो होते हैं, यानी कि जो चिकने पदार्थ होते हैं खाने वाले कोई भी खाद्य पदार्थ, तो वो जो डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ कॉन्टेक्ट में आकर ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि वहाँ पे एक रिएक्शन होता है जिसके वजह से जो ऑयली सब्सटेंस होता है, ऑयली कंटेनिंग फूड, वो आपका ऑक्सीडाइज होकर उसमें क्या होता है कि खराबी आ जाती है, वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे कि चिप्स वगैरह अगर 2-3 दिन छोड़ दिया जाए, या सब्ज़ी वगैरह हम लोग पकाते हैं तेल में डालकर, तेल में ही अक्सर सब्ज़ी वगैरह बनते हैं, तो उसको 2-3 दिन बाद उसमें महक आ जाते हैं, वो ख़राब हो जाता है, ठीक। तो हम लोग इससे बचाने के लिए आप देखे होंगे कि चिप्स वगैरह में कुछ हवा भरा जाता है, वो हवा नाइट्रोजन गैस होता है। और नाइट्रोजन गैस क्यों डालते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है इनर्ट गैस है, वो रिएक्ट नहीं करता है जल्दी किसी सब्सटेंस के साथ। जैसे चिप्स है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ होता है, आप देखेंगे फूला हुआ होता है कुरकुरे वगैरह में, लेज वगैरह में, तो वो जो है जो खाने का सब्सटेंस होता है लेज कुरकुरे वगैरह, वो नाइट्रोजन जो है उसमें डालने से क्या फ़ायदा होता है, नाइट्रोजन उस सब्सटेंस के साथ चिप्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है और ख़राब नहीं होता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि नाइट्रोजन भरने से उसमें के अंदर में जो भी थोड़ा मोड़ा ऑक्सीजन होगा, हवा होगा, वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन उसका जगह ले लेता है, ऑक्सीजन बाहर चला जाता है और उसको इस तरह से पैक कर दिया जाता है ताकि वो लंबे समय तक ताज़ा रहे, मतलब ख़राब ना हो, लंबे समय तक उसे रखा जा सके, ठीक है। यही वजह है कि हम लोग जो चीज़ खाते हैं चिप्स वगैरह, वो 2-2 महीना 3-3 महीना पुराना होता है लेकिन ख़राब नहीं होता है। तो अब इसका आंसर इस तरह लिखेंगे, ऑयल एंड फैटी सब्सटेंस आर मिक्स्ड विद नाइट्रोजन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डीके, यानी ख़राब होने से बचाने के लिए। व्हेन दिस सब्सटेंस कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ एयर दे गेट डीनेचर टू प्रोड्यूस बैड स्मेल एंड टेस्ट। वो ऑक्सीजन के साथ एयर में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ख़राब हो जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है, इस वजह से वो ख़राब हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा, यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आने वाला है क्योंकि यहाँ असल में इस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। हालांकि क्वेश्चन नंबर 19 को 20 के जगह पर होना चाहिए और 20 को 19 में, ताकि क्लियर समझ में आए। खैर कोई बात नहीं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे
क्वेश्चन नंबर 20 में हमने बोला एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ वन एग्जाम्पल ईच। जैसे फर्स्ट में है क्रोजन और दूसरा है रैंसिडिटी, यानी क्रोजन क्या होता है और रैंसिडिटी क्या होता है, इसे एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्रोजन, व्हेन अ मेटल गेट्स क्रोडेड ऑन कमिंग विथ कॉन्टैक्ट ऑफ एसिड मॉइस्चर ईटीसी, दिस प्रोसेस दी या लिख सकते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रोजन। मतलब ये हुआ कोई भी मेटल जैसे आपका कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ या फिर आपका लोहा हुआ, ये अपने आसपास एसिड या मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब समझते हैं नमी, हवा में जो है वाटर ड्रॉपलेट होता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट, उसको नमी बोलते हैं। तो नमी के कॉन्टैक्ट या एसिड के कॉन्टैक्ट, हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट जब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो जब मेटल जो है मॉइस्चर या एसिड के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसमें क्रोजन होता है, यानी कि खराबी उसमें शुरू हो जाता है, जैसे जंग लगना या उसका कलर, यानी कि मेटल के सरफेस में का कलर का बदलना। इस प्रोसेस को याद रखें, इस प्रक्रिया को क्रोजन कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आयरन हुआ, आयरन को आप अगर रख देते खुले छत में तो आप अगर वायु में हवा में अगर नमी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो रिएक्ट करके आयरन का जो आयरन रॉड होगा तो उसके ऊपर जो है आप देखेंगे कि वो जंग लग जाता है और ब्राउन कलर का उसमें, मतलब ब्राउन कलर का उसमें लेयर बन जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग जंग लगना बोलते हैं। तो ये भी एग्जांपल हुआ क्रोजन का। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं सिल्वर टर्न्स ब्लैक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड जो होता है, मतलब सिल्वर को आप रख देते हैं, मतलब सिल्वर को रख दी और आप मान लीजिए कि अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि एसिड या मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आने पर, मान लीजिए मॉइस्चर नहीं है लेकिन अचानक से एसिड रेन हो जाता है, एसिड रेन अगर हो जाता है तो सिल्वर जो है, सिल्वर के ऊपर आपका क्या हो जाएगा, सिल्वर सल्फाइड का लेयर बैठ जाएगा, जिसकी वजह से वो सिल्वर जो है, चमकदार सिल्वर जो होता है वो कैसा ब्लैक कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कॉपर का, जो इससे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बताए थे कि कॉपर कैसा कलर का होता है, ब्राउन कलर का, लेकिन उसको आप रखते हैं धूप में, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो किस तरह का बन जाएगा। अगर धूप ना भी हो तो मतलब हवा में अगर नमी है तो वो कॉपर जो है ब्लैक कलर का हो जाएगा, क्योंकि कॉपर के ऊपर यानी कि सरफेस में कॉपर ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है। तो इस प्रोसेस को क्रोजन बोलते हैं। तो आपको एक एग्जांपल देना था, हम यहाँ पर तीन एग्जांपल बता दिए, ठीक है। उसके बाद रेंसिडिटी, रेंसिडिटी किसको कहते हैं, देखिए हम लोग खाना बनाते हैं खास करके गर्मियों के दिन में, तीन चार घंटे के अंदर ही, खासकर गर्मी में तीन चार घंटे में ही खाना ख़राब हो जाता है, उसमें बैड स्मेल और मतलब उसमें बदबूदार हो जाता है और ख़राब हो जाता है खाना, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए रेंसिडिटी इसी को कहते हैं, इस प्रोसेस को, यानी इस खाने के ख़राब होने, खाना या सब्जी वगैरह के ख़राब होने की प्रोसेस को, धीरे धीरे ख़राब होता है तो एक प्रोसेस ही होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। तो देखिए इट इज़ द प्रोसेस इन विच फूड मटेरियल गेट स्पॉइल्ड, यानी कि बर्बाद हो जाना, व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से। इट लीड्स टू चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड मटेरियल्स, और इसके वजह से जो है खाना का जो है ना टेस्ट और स्मेल दोनों बदल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बटर, बटर गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन एट रूम टेम्परेचर। मतलब ये वो बटर को हम लोग ठंडे ही में रखते हैं, फ्रीज वगैरह में रखते हैं, वजह ये है कि अगर उसको हम लोग फ्रीज में, वो ठंडे स्थान पर ठीक रहता है, अगर उसको रूम टेम्परेचर यानी कि लगभग 25 से 37 डिग्री में अगर घर में रखते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वहाँ उसका जो बटर का है ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग पढ़े थे जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, तो उसका जब ऑक्सीडेशन होगा बटर का तो वो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा, स्पॉइल्ड हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। तो ये एग्जांपल आप इसको लिख सकते हैं, बटर वाला एग्जांपल। तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। इससे पहले हम लोग जो भी लेक्चर बनाए हैं आप उसे अच्छे से देखिए तो और आपको क्लियर समझ में आएगा। तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।